हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का डेट आ चुका है। अब यह एग्ज़ाम जो कि काफ़ी पहले होना था 22 नवंबर को होगा। उसी तरह आरआरबी के जो पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम थे उसे भी फिलहाल स्थगित किया गया है, वो भी जल्दी ही होने की संभावनाएँ हैं। 18 तारीख को आरआरबी के बाकी जितने भी एसओ के पेपर होने थे स्केल 2 और स्केल 3, वो 18 तारीख को ही होंगे और नेशनल हाउसिंग बैंक NHB का एग्ज़ाम भी 18 को होगा। अगर आरआरबी पीओ क्लर्की की बात करें तो हमारा पहले से ही क्रैश कोर्स चल रहा है और आरबीआई असिस्टेंट के लिए एक अलग से 25 से 30 दिनों का एक स्पेशल कोर्स चलेगा, ताकि आपकी सब तैयारी में जितने ही पिटफॉल्स आ सकते हैं उसको पहले से दुरुस्त किया जा सके और आप इस एग्ज़ाम को निकाल सके। ठीक है दोस्तों, और यह एक रिविजन पर्पज़ से वीडियो है, इसको वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, तो कृपया इसे ध्यान से देखें और इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो देखते हैं इस वीडियो को। आप पहले नोबेल प्राइज़ विनर को देख सकते हैं। शुरुआत में जब नोबेल प्राइज़ आया था तो स्टार्टिंग में मात्र 5 फील्ड में ही दिए जाते थे, जो कि होता था पीस प्राइज़, फिर से फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाता था, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और फिजिक्स में। इकोनॉमिक्स बाद में आया, वह भी इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि इकोनॉमिकल साइंस है। ठीक, इकोनॉमिक साइंस में यह अवार्ड इस साल मिला है पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। दोनों जो मिलोग्राम और विल्सन हैं, यह दोनों स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं। यूएस में यह यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इनको यह अवार्ड मिला है फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू एक्शन फॉर्मेट। दोस्तों, ऑक्शन तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को अगर स्टार्टिंग में बेचना होता है तो उसको ऑक्शन लगाए जाते हैं। होता क्या है कि लोग मैक्सिमम ऑक्शन लगाते हैं, किसी प्राइस को बेचना है तो मैक्सिमम, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रेडिशनल नहीं होती है, उनको ऑक्शन के अंदर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए इन्होंने थ्योरी खोजा है। एक वर्ड में बताएं तो जितने भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज के जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, मीन्स उसको बेचना थोड़ा मुश्किल होता है टेलीकॉम वगैरह में, तो उसके लिए ऑक्शन कैसे लगेगी ताकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी बेचा जा सके, तो इनको इस काम के लिए यह अवार्ड मिला है। वहीं पे फिजिक्स में यह अवार्ड रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला है। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल में ब्रेक थ्रू लाने के लिए मिला है, ब्लैक होल के थ्योरी में इन्होंने एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू लाया है। और वहीं पर रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को यह अवार्ड इसलिए मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। तो आप इनके काम को भी थोड़ा याद रखना। वहीं इस साल महिलाओं को बहुत सारे अवार्ड मिले, नोबेल प्राइज़ मिले, पहले ऐसा नहीं होता था। हालांकि लास्ट साल इकोनॉमिक्स में इथर डफलो का अवार्ड मिला था, जो कि अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं उनकी बीवी थी। लास्ट ईयर 3 लोगों का अवार्ड मिला था, पहला अभिजीत बनर्जी, इथर डफलो और माइकल क्रेमनिक जो कि US के रहने वाले थे। इन तीनों को इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिला था पॉवर्टी एलिगेशन में, किस तरह से उन्होंने बेसिकली एक रिसर्च किया था कंट्रोल इन्वायरमेंट में, उसके आउटकम के लिए दिया गया था। तो लिटरेचर में मिला है लुइस ग्लिक को, जो कि पोएट है। वहीं केमिस्ट्री में यह अवार्ड मिला था इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डॉडना को, जीनोम एडिटिंग टेक्निक के लिए, जिसको क्रिस्पर बोलते हैं। ये आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से CRISPR क्रिस्पर से जीन एडिटिंग किया जाता है। अगर आपको कोई डिजीज है या आपको कुछ भी चाहिए तो अगर जीन को एडिट कर दिया जाए तो चीज़ें सारी पॉसिबल हो जाती है। वहीं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में हेपेटाइटिस सी के लिए अवार्ड मिला, हम पहले भी ये देख चुके हैं, ऑल्टर, हॉगटन और राइस को। आप बस कीवर्ड याद रखिए, एग्जाम में आप रिकॉल कर लोगे आराम से। वहीं नोबेल पीस प्राइज इस बार मिला UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ओके, बढ़ते हैं पहले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 4th RBI डेप्टी गवर्नर। तो NS विश्वनाथन के बाद RBI का पद 6 महीने से खाली था डेप्टी गवर्नर का, तो कौन बने हैं? इसका सही जवाब है M. राजेश्वर राव, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि विद दिस मीन्स, जैसे ये राजेश्वर राव डेप्टी गवर्नर बन गए, इसके साथ RBI के टोटल डेप्टी गवर्नर की संख्या कितनी हो गई है? इसका सही जवाब है 4। और वो चारों कौन है? वह हैं ये BP कानूंगो, M. राजेश्वर राव, MK जैन, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रता पात्रा, MD पात्रा। अभी हाल में ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिवाइज्ड एडिशन आया है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब पे है, लगभग 50 मिनट का वीडियो है। आप उसको अगर देख लोगे एक बार तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और RBI से लेकर जितने भी एग्जाम हैं, RRB असिस्टेंट, RRB PO क्लर्क, RBI असिस्टेंट या फिर ग्रेड बी से भी कुछ भी, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप यह वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, RBI नॉलेज प्लेलिस्ट में आपको यह मिल जाएगा, या फिर RBI ग्रेड बी प्लेलिस्ट आप किसी को सर्च करना उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस MPC में जो पॉलिसी रेट वही रहे 4 और 3.35, MSF रेट, बैंक रेट 4.25 और CRR SLR 3 और 18% रिस्पेक्टिवली।
रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आरबीआई के हिसाब से 9.5 नेगेटिव में रहेगा, ओके, -9.5%। क्वेश्चन नंबर 8, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड ए मिनी ऐप स्टोर टू सपोर्ट इंडियन डेवलपर्स इन ए डायरेक्ट चैलेंज टू गूगल्स डोमिनेंस इन द स्पेस। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि कौन सी कंपनी ने गूगल के मोनोपोली मीन्स गूगल के प्रभुत्व को चुनौती दी है। आप देख पा रहे होंगे कि यह फोटो इस कंपनी के सीईओ हैं और वह हैं विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के सीईओ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन बी। गूगल कांट फोर्स इंडियन डेवलपर्स टू यूज गूगल बिलिंग एंड चार्ज अ कमीशन फॉर इट। बेसिकली गूगल पर अगर कोई इंडियन डेवलपर्स अपना ऐप डालता है तो इन ऐप परचेज जो होता है मीन्स जो भी पेमेंट होना है अगर उसी ऐप के थ्रू हो जाए तो 30% चार्जेस लगते हैं, ठीक, मीन्स अपनी कमाई का 30% हिस्सा गूगल को भी देना पड़ता है। तो इस कारण पेटीएम ने खुद क्या कि मिनी ऐप स्टोर लाया है ताकि डेवलपर्स वहाँ पे अपने ऐप को लिस्ट करा सके और वहाँ पे उनसे पैसे काफ़ी कम लिए जाएंगे, इससे सभी फायदे में रहेंगे। वहीं रेजर पे जो कंपनी है यह हाल में ही यूनिकॉर्न बन गया। यह यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट अपॉइंट्स होम एज SBI चेयरमैन फॉर 3 ईयर्स। तो रजनीश कुमार के बाद SBI के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार खड़ा। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में दिनेश कुमार खड़ा को, यह बने SBI के नए चेयरमैन। वहीं पे संदीप बख्शी यह ICICI के चेयरमैन बने हैं, ICICI के MD & CEO बने हैं संदीप बख्शी। और पद्मजा चंदुरू यह बने हैं इंडियन बैंक के MD & CEO बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वहीं पे हाल में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CFO चीफ फिनेंशियल ऑफिसर बने थे चरणजीत आत्रा। तो आप सारे चीज़ों को आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों आप मैंने इस तरीके से आपको दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यह तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं पढ़ाने का। तो इसमें कीवर्ड है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फो दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से कलेक्ट कर पाओगे। आप इसके बारे में जरूर फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में। तो गंगा अवलोकन हरिद्वार में, तो हाल में ही नरेंद्र मोदी ने पहला म्यूजियम गंगा का उद्घाटन किया, द फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा, कहाँ पे किया, हरिद्वार में। उसका नाम क्या है, गंगा अवलोकन। तो आप बस कीवर्ड याद रखना, एग्जाम में आप रिकॉल कर लोगे, गंगा अवलोकन जो कि हरिद्वार में है और यह फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा है अपने तरह का। उसी तरह से अमिताभ बच्चन जिनको कि हाल में ही अमेजन ने अपने एलेक्सा के वॉइस के लिए उनके आवाज़ को अमेजन ने यूज किया था, मतलब अमेजन का एक डिवाइस है एलेक्सा, उसके लिए अमिताभ बच्चन का आवाज़ इस्तेमाल किया गया था। अब अमिताभ बच्चन को RBI ने अपॉइंट किया है, क्यों, क्योंकि RBI का एक सीरीज चलता है RBI कहता है, उसमें बेसिकली यह अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन, ताकि किसी फ्रॉड से वो बच पाए, मीन्स उनका सब्सक्राइबर कस्टमर्स, सो टू प्रिवेंट अकाउंट होल्डर फ्रॉम बींग ड्यूप्ड बाई फ्रॉडस्टर। इससे पहले भी KL राहुल हो गए या शिखर धवन, काफ़ी लोग इस कैंपेन से जुड़े हैं। फिर नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ मीति मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रविशंकर प्रसाद जिसके मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने मिलकर एक समिट ऑर्गेनाइज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यह बज वर्ड है। तो इसका नाम था RAISE 2020, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। और रेज का जो फुल फॉर्म है वह है R से रिस्पॉन्सिबल, AI से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और SC का मतलब है सोशल एम्पावरमेंट। सो रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ठीक। अभी अभी डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 संपन्न हुआ, तो होम मिनिस्टर ने इंडिया के इसको इनॉग्रेट किया। होम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, अमित शाह। और इस बार का थीम था द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना। वहीं पे जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाला है IFFI, वह होगा गोवा में, यह जनवरी के आसपास होगा। इसी के साथ आपको बताना है कि FTII के नए चेयरमैन कौन बने हैं। FTII के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो यह कौन नियुक्त हुए हैं, यह आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी संपन्न हुए रशियन ग्रैंड प्री में के विनर रहे हैं वल्तरी बोत्तास, यह Formula 1 ड्राइवर हैं और यह फिनलैंड से आते हैं। कुछ और खबर देखें तो शिवांगी सिंह भारत की पहली विमेन फाइटर पायलट बन गई है जिन्होंने रफाल एयरक्राफ्ट को उड़ाया। सो सी बिकेम इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर प्लानेट टू फ्लाई द रफाल एयरक्राफ्ट। देन खुशी चिंडालिया यह भारत की रीजनल एम्बेसडर बनी है, किसके द्वारा बनाई गई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा भारत की रीजनल एम्बेसडर यह बनाई गई है, खुशी चिंडालिया। फिर से दो एक्सरसाइज है, एक है पैसेक्स और दूसरा है जीमेक्स। तो पैसेक्स जो अभी चल रहा है इंडियन ओशियन में,
यह चल रहा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच। वहीं जीमेक्स जीमेक्स जो है इसमें जे है जापान, आई है इंडिया, एम है मैरीटाइम और ईएक्स है एक्सरसाइज। तो यह चल रहा है नॉर्थ अरेबियन सी में भारत और जापान के बीच। यह बायलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक। साथ ही ऐप टूरिज्म मंत्रालय ने इसको निकाला है। आपको दोस्तों बता दें कि इस साल जो यूएन का WTO है, मीन्स यूएन की बहुत संस्था है, एक तो आपने UNEP यहाँ पे देखा इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, वहीं पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इस साल को डेजिग्नेट किया है एज द ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वहीं पे भारत के जो प्राइवेट लेंडर है HDFC बैंक, उसने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप, तो आप यह भी याद रखना। और जो पहले फेड कप होता था, फेड कप जो कि महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप एक तरह से होता है, उसका नाम बदल के कर दिया गया है बिली जीन किंग। तो बिली जीन किंग बहुत ही बड़ी टेनिस खिलाड़ी थी, उनके सम्मान में फेड कप का नाम बदल कर उनके नाम पे रख दिया गया है। तो ये सारी खबर जो मैंने दो आखिर के दो स्लाइड में समझाया आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ सकता है। आपको कौन सा तरीका पढ़ाने का हमारा बढ़िया लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा उसी पर अमल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे RRB के कोर्स और RBI असिस्टेंट के कोर्स या फिर RBI ग्रेड भी सभी के अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी हो हाई@latemod.in पर जरूर संपर्क करें और पूछें। तो सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।